लगातार भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती है उसमें से एक बड़ा मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है करप्शन की, भ्रष्टाचार की। और भ्रष्टाचार हर क्षेत्रों में है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार है वो आए दिन आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं, झारखंड में अखबार की सुर्खियों में रोज बटोर भी रही है। अभी आप सब ने देखा कि हाल फिल्म में किस प्रकार से ईडी वालों ने जगह जगह पर छापा मारा और फिर उसके बाद कई को जेल गए और कई लोगों को शायद रास्ते में भी होंगे। यानी भ्रष्टाचार इस राज्य की जो सरकार है, लगता है कि सरकार ही भ्रष्टाचार के लिए बनी है। अब भ्रष्टाचार का कोई भी क्षेत्र इन्होंने नहीं छोड़ा है कि जहां पर वो भ्रष्टाचार नहीं करता। और सरकार को बार बार आगाह करने के बाद भी, मुख्यमंत्री को सचेत करने के बाद भी, देखो भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है, इस गड़बड़ी को रोकिए, अगर आप इस गड़बड़ी को नहीं रोकेंगे तो फिर एक दिन आपको भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा था कि उस भ्रष्टाचार में से एक बड़ा भ्रष्टाचार इन दिनों अखबार की सुर्खियों में भी है, और वैसे मैंने कल ट्वीट भी कर दिया था, आप सब लोगों ने देखे भी होंगे, कि शराब की घोटाला के बारे में। तो झारखंड में किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई और उस समय से राज्य सरकार को हमने सचेत किया था। यानी ये जो पत्र है 18/4/2022 को हमने पहला पत्र लिखा था कि शराब में ये गड़बड़ी घोटाला होने वाला है या कर रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा है, कोई दूसरे को मैंने नहीं लिखा है पत्र। ये 2-3 पेज का पत्र है, हम इनको स्मरण के लिए कहेंगे कि पीडीएफ फाइल बना करके आप सब लोगों को भेज देंगे तो आप सब लोग इसको बढ़िया से अध्ययन कर पाएंगे, और अभी भी समय है, अच्छे ढंग से उसको आप सब लोग लिख भी पाएंगे, क्योंकि हम पढ़ कर के आप सब लोगों को सुनाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दूसरा जो पत्र हमने 19/4/2022 को, यानी दूसरे दिन ही फिर मैंने पत्र लिखा सरकार को, मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को, और दूसरे दिन हमने उनको पत्र जो लिखा था उस पत्र में मैंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया था, क्योंकि पहले जब टेंडर हुआ था उसमें से इनके जो चाहते कंपनी थे, जिन लोगों से इनके पदाधिकारियों ने डील कर चुका था, या बिचौलिया या दलाल जिसको भी कहे, कि जिन लोगों ने डील कर चुका था, उन लोगों के मन माफिक वो टेंडर नहीं था, इसलिए उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया और इस कारण से सरकार ने फिर से टेंडर निकाले। और उसी वक्त जानकारी मिली थी कि भाई वो किन किन कंपनियों को देने के लिए ये सारे इतनी कवायदें हो रही है। तो 18 को जो पत्र मैंने लिखा और फिर हमें जब पता चला तो तुरंत मैंने 19 को पत्र लिखा, 19/4/2022 को, और हमने उस समय कह दिया था कि A2Z, यानी एक कंपनी है A2Z इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड, दूसरा कंपनी है क्या बोलते हैं प्राइम वन वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा कंपनी है सुमित फैसिलिटेड लिमिटेड, और तीसरा है ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड। ऐसी ये 4 कंपनी को देने के लिए सारे कवायद हो रही है। और बाद में
वास्तव में जब टेंडर हुआ और फिर टेंडर में ये लोग जो कि उनके मन के मुताबिक टेंडर हुआ तो उन लोगों ने फिर पार्टिसिपेट किया और फिर इन्हीं लोगों को काम मिला और काम मिला और काम मिलने के बाद फिर जो इन लोगों ने जहां 2300 करोड़ राजस्व की आय होगी उसकी बड़ी लंबी चौड़ी सरकार ने घोषणा की थी और बाद में जो बात सामने आने लगी कि अब राज्य सरकार को बहुत बड़ी नुकसान हो रही है तो उस समय भी जो जानकारी मिली और अखबारों में भी जब छापा तब हमने उस वक्त दिसंबर में फिर मैंने सरकार को पत्र लिखा 9/12/2022 को और हमने उस वक्त भी कहा कि भाई आप इस पर कार्रवाई करें क्योंकि जो विषय की हमें जानकारी मिल रही थी तो बिल्कुल अस्पष्ट था कि किस प्रकार से ये लोगों ने गड़बड़ कर रहे हैं। और 2 दिन पहले जब पता चला कि ये जो शराब के जो कंसल्टेंट थे जो छत्तीसगढ़ के कंपनी और सप्लायर थे और फिर झारखंड का जो उत्पाद विभाग है एक्साइज विभाग है इस सब लोगों ने मिल करके जो इस प्रदेश की राजस्व की जो घाटा है वो 450 करोड़ रुपया एक प्रकार से लोगों ने पहुंचा दिया। और ये मामला तो सब चुपचाप ही था लेकिन ये लोग तब सक्रिय हुए जब छत्तीसगढ़ के में ईडी ने वहाँ पर छापा मारा और फिर कई एक सुराग भी मिले और झारखंड सरकार के सचिव एक्साइज के और आयुक्त को जानकारी जो मिली कि उनको नोटिस दिया और उसके बाद ये हड़कंप मचा और फिर ये 450 करोड़ रुपया रिकवर करने के लिए उन लोगों को नोटिस दिया जाता है और उन्हीं लोगों से काम भी लिया जाता है। आज भी वही सारे लोग काम कर रहे हैं, संभवतया उनके काम की 10-12 दिन ऐसे ही बचा हुआ है। ये यानी कायदे से कार्रवाई तो किसके ऊपर होनी चाहिए था कि उनके पदाधिकारियों के ऊपर पहले तो होनी चाहिए था जिन लोगों ने ये गलत सलाह दिया और बार बार पत्र लिखने के बाद भी जिन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया नहीं मुख्यमंत्री ने भी ध्यान नहीं दिया।